बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस के बारे में, जिसमें हमने स्कैनर और टच स्क्रीन के बारे में आपको बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वेब कैमरा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ए वेब कैमरा इज ए वीडियो कैमरा अटैच टू ए कंप्यूटर। दिस इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग ऑन द इंटरनेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेब कॉम। वेब कैमरा, इट इज द सेम एज अ वीडियो कैमरा, बट इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर व्हाइल यूजिंग अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जब आप ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं ऑनलाइन, तो वेब कैमरा का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है ड्राइंग टैबलेट। इट इज एन इनपुट डिवाइस व्हिच हैज अ बोर्ड एंड ए स्पेशल पेन टू राइट ओवर। इट इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा है इनपुट डिवाइस ड्राइंग टैबलेट, जिसकी मदद से आप डिजिटल बोर्ड पे या आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख सकते हैं। जस्ट लाइक पेन और कॉपी, जैसे आप पेन और कॉपी पे लिखते हैं, ऐसे ही ड्राइंग टैबलेट पे आप ड्राइंग बना सकते हैं या कोई टॉपिक लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा। आप जानते हैं डिजिटल कैमरा के बारे में। इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू टेक पिक्चर्स फ्रॉम अ कैमरा एंड ट्रांसफर देम टू द कंप्यूटर। ए मेमोरी कार्ड स्टोर्स द पिक्चर्स इन अ डिजिटल कैमरा एंड कार्ड रीडर इज यूज टू ट्रांसफर देम टू अ कंप्यूटर। डिजिटल कैमरा, इट इज यूज टू टेक पिक्चर्स फ्रॉम कैमरा एंड सेंड देम ऑन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कार्ड रीडर। इसमें आप वीडियो, पिक्चर्स, स्टिल पिक्चर्स स्टोर कर सकते हैं। आपके वीडियो कैमरा में जो कार्ड, मेमोरी कार्ड होता है, उसमें स्टोर होता है डेटा, जिसे आप कंप्यूटर में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पिक्चर्स को और रिकॉर्डेड वीडियोस को। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। एन आउटपुट डिवाइस एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू अ फॉर्म ऑफ सूटेबल फॉर यूज बाय यूजर। मॉनिटर एंड स्पीकर आर द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस। सम अदर यूजफुल आउटपुट डिवाइसेज आर एज फॉलोज। आउटपुट डिवाइस, आप जानते हैं इसका काम है आपके आउटपुट रिजल्ट को डिस्प्ले करना, शो करना। और हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर एंड स्पीकर, जो हमारे आउटपुट को डिस्प्ले और प्रिंट करता है। फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस प्रिंटर। प्रिंटर आर यूज टू टेक आउटपुट ऑन अ शीट ऑफ पेपर फ्रॉम द कंप्यूटर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स दैट आर बींग यूज नाउडेज। आप जानते हैं प्रिंटर का काम है जो आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है, जो सॉफ्ट कॉपी में आपका फाइल्स है, उसको हार्ड कॉपी में चेंज करना। जो आपके कंप्यूटर में फाइल है उसको पेपर पे प्रिंट करना विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। जस्ट एग्जाम्पल, योर बुक्स इज प्रिंटेड बाय प्रिंटर। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर। फर्स्ट वन इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दिस प्रिंटर इज लेस एक्सपेंसिव बट वेरी नॉइजी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज द कैरेक्टर प्रिंटर दैट प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट ए टाइम। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज मेजर्ड इन CPS, कैरेक्टर पर सेकेंड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये बहुत सस्ता प्रिंटर होता है बट नॉइजी होता है।
जब ये प्रिंट करता है तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है, कैरेक्टर पर सेकेंड्स, और प्रिंट्स इन अ डॉटेड, ये जब भी प्रिंट करता है विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। नेक्स्ट वन इज इंकजेट प्रिंटर। दिस प्रिंटर स्प्रेज स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ फास्ट ड्राइंग इंक टू फॉर्म लेटर्स एंड इमेज। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज मेजर्ड इन LPM, लाइन पर मिनट। इसका जो स्पीड मेजर करते हैं हम लोग लाइन पर मिनट, एक मिनट में कितने लाइन्स ये प्रिंट कर सकते। ये इंक के द्वारा स्प्रे करता है आपके पेज पे और प्रिंट करता है। नेक्स्ट वन इज लेजर प्रिंटर। दिस प्रिंटर यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी टू गो द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट एंड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रिंट। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज मेजर्ड इन PPM, पेज पर मिनट। जो सबसे बेस्ट प्रिंटर है हमारा लेजर प्रिंटर होता है, इसका बेस्ट क्वालिटी होता है, पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया प्रिंट करता है, बट ये एक्सपेंसिव होता है, महंगा प्रिंटर होता है और इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। इसके स्पीड को मेजर करते हैं हम लोग प्रिंट पर पेज पर मिनट, एक मिनट में कितने पेज को ये प्रिंट करता है। दीज ऑल थ्री प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रीड द टॉपिक एंड लर्न input and output devices and functions of all input and output devices. Thank you.